गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मैं मारुति नंदन सिंह एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं किरण लर्नर्स एकेडमी के साथ. और आज हम बायोलॉजी सेक्शन के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. और ये टॉपिक है आपका बीमारियां और औषधियों से रिलेटेड, यानी कौन कौन सी बीमारियां किन चीजों के कारण होती हैं, उनके कारण क्या हैं, या शरीर में किन तत्वों की कमी के कारण होती हैं, और उन बीमारियों के लक्षण क्या हैं, और कौन सी औषधियां उन बीमारियों के उपचार में प्रयोग की जाती हैं. ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ देखेंगे और उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उन चारों ऑप्शन में कौन सा एक सही है वो देखेंगे और क्यों सही है तथा बाकी तीनों क्यों गलत हैं इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे. तो आइए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे. निम्नलिखित संयोजनों से कौन सा विषाणु या वायरस मानवों के लिए संक्रामक है. दैट मीन्स इन चारों में से कौन सा एक ऐसा विषाणु है या वायरस है जो ह्यूमन के लिए एक तरीके से इन्फेक्शन पैदा करता है या संक्रामक है एक तरीके का. H5N1, H1N5, H2N3 तथा H4N2. फर्स्ट इज द राइट आंसर. पहला आपका सही है H5N1, क्योंकि H5N1 एक ऐसा विषाणु है या वायरस है जो बर्ड फ्लू जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है. बर्ड फ्लू बीमारियां जो पक्षियों से संबंधित है, जैसे मुर्गी, मुर्गे तथा बतख में फैलने वाली ये संक्रामक बीमारी होती है जिसे कहते हैं बर्ड फ्लू. ये पक्षियों में होगी जैसे मुर्गा, बतख आदि, और ये भी एक तरीके का विषाणु है या वायरस है. दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हीनता जन्य रोग कौन सा है, यानी कौन सा रोग किसी चीज की कमी के कारण होता है या उसकी डिफिशियंसी के कारण होता है. क्वेश्चन नंबर दूसरे में चार ऑप्शन है यहाँ पे. दमा, जैसे इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं, दमा या अस्थमा जैसी बीमारियां श्वास से रिलेटेड है, श्वास से संबंधित है. पीलिया, पीलिया भी शरीर में कई सारे, जैसे कि बॉडी में ब्लड है और उस ब्लड में यानी रुधिर में एक वर्णक पाया जाता है या पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं बिलीरुबिन. बिलीरुबिन जब शरीर में बढ़ जाता है तो पीलिया जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं. तीसरा है स्कर्वी. इसका सही आंसर है स्कर्वी, क्योंकि स्कर्वी जैसी बीमारियां शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण होती हैं. विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड, और जब मनुष्य के शरीर में इसी विटामिन की यानी विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी जैसी बीमारियां हो जाती हैं. और विटामिन सी भोज्य पदार्थों में जैसे कि जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे रसीले फल, नींबू, संतरा, नारंगी, मौसमी इत्यादि, इन सभी खट्टे रसीले फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. याद रखेंगे कि दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं, सभी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु विटामिन सी नहीं पाया जाता. विटामिन सी प्रचुर मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में सभी खट्टे फलों में, नींबू जैसे चीजों में पाया जाता है. इसलिए अगर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए तो स्कर्वी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है. राइट आंसर है आपका, सही उत्तर होगा स्कर्वी, क्योंकि स्कर्वी ही विटामिन सी की कमी के कारण हो रहा है. बाकी इनमें से तीनों ऑप्शन, फर्स्ट दमा, सेकंड पीलिया और तीसरा कैंसर, ये किसी चीज की कमी के कारण नहीं होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है. मनुष्य के शरीर में आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या, हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है,
बट याद रखेंगे कि लगभग अभी तक 29 है. सो इसमें से पहला ऑप्शन है 16, दूसरा 28 और तीसरा है 32 और चौथा है आपका 33. सो नियरर आंसर हम देखेंगे और नियरर आंसर है 32, 29. ठीक है, ट्वेंटी एट इसमें दिया गया है जबकि सही विकल्प होना चाहिए 29. सो नियरर आप देखेंगे, कभी कभी प्रश्नों में काफी नियरर ऑप्शन भी दे देता है, एग्जैक्ट आंसर जो आपने पढ़ रखा है वो ऑप्शन में नहीं मिलता है. तो ऐसे में जो उसके काफी नियरर है आप उसे चूज करेंगे, क्योंकि संक्रमण तत्व यानी बॉडी में टोटल तत्व जो है वो नियर अबाउट अभी तक 30 या 29 के आसपास है और यहाँ पे 28 दिया गया है. सो विल गो टू प्रेफर सेकेंड ऑप्शन, दूसरा विकल्प आपका सही मानेंगे. निम्न में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? इन चारों में से कौन सा मनुष्य के बॉडी पेन को रिलीव करता है या शरीर के दर्द को कम करता है? एनल्जेसिक, एनल्जेसिक बॉडी पेन को रिलीव करता है या शरीर में एक दर्द निवारक की तरह कार्य करता है, जबकि एंटीबायोटिक एक तरीके से जीवाणुरोधी है और एंटीपायरेटिक, डिसइन्फेक्टेंट, ये सभी अलग अलग चीजें हैं. सिर्फ एनल्जेसिक ही दर्द निवारण यानी एज अ पेन किलर वर्क करता है. क्वेश्चन नंबर 5, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले देखेंगे हाइपरटेंशन क्या है. उच्च तनाव की स्थिति जैसा हाइपरटेंशन कहेंगे. हाइपरटेंशन में व्यक्ति के रुधिर का दाब यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और इसी रुधिर के बढ़े हुए दाब को यानी जब रक्त का चाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तो बढ़े हुए रुधिर दाब को ही कहते हैं हाइपरटेंशन. अब ऑप्शन देखते हैं. हृदय की गति तेज होने के लिए, बिल्कुल नहीं. हृदय की गति धीमी होने के लिए, ये भी गलत है. रक्तचाप घटने के लिए और चौथा है रक्तचाप बढ़ने के लिए. सो राइट आंसर है आपका रक्तचाप बढ़ना यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की स्थिति को यानी जब रक्त का चाप या सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो उसी को कहेंगे हाइपरटेंशन. क्वेश्चन नंबर 6, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? सबसे पहले मेनिनजाइटिस जैसी बीमारियां व्यक्ति के मानसिक विकार की बीमारियां हैं यानी ये मस्तिष्क से या ब्रेन से संबंध रखती हैं. मस्तिष्क या ब्रेन जो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो मनुष्य के शरीर में विचारों का बनना, सोचना, थॉट क्रिएट करना तथा सभी ढेर सारी भावनाएं जैसे घृणा, प्रसन्नता इत्यादि, इन सभी क्रियाओं का जन्म तथा नियंत्रण व नियमन मस्तिष्क में ही होता है. तो मस्तिष्क में ही ये बीमारी पैदा होती है जिसे कहते हैं मेनिनजाइटिस. तो राइट आंसर है आपका, इसमें ऑप्शन में देखिए चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क या ब्रेन इससे संबंधित है. बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं. वृक्क जिसे किडनी कहते हैं, दूसरा यकृत या लीवर और तीसरा है आपका हार्ट. क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा रोग है जो जल के कारण यानी वाटर के कारण जल के द्वारा फैलता है, जिसमें वाटर एक माध्यम की तरह कार्य करता हो, जल एक माध्यम की तरह कार्य करेगा. पहला मधुमेह, ये गलत है क्योंकि मधुमेह जैसी बीमारियां दो तरीके से शरीर में होती हैं. पहला, जब व्यक्ति के शरीर में रक्त के अंदर शुगर का लेवल या शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती हैं. यानी ये दो कारण से होगा, एक जब ब्लड शुगर इंक्रीज करेगा यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, दूसरा
सेकेंड है, अगर मनुष्य के शरीर में डिफिशियंसी हो जाए, दैट मीन्स कमी हो जाए इंसुलिन हार्मोन की, इंसुलिन नामक हार्मोन जब मनुष्य के शरीर में कम बनने लगता है या इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है तो भी मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियमित करता है या घटाता है, कंट्रोल रखता है, बढ़ने नहीं देता है। इंसुलिन जैसे हार्मोन मनुष्य के शरीर में अग्नाशय ग्रंथियों में बनते हैं या पैनक्रियाटिक ग्लैंड में बनते हैं। अग्नाशय एक छोटी पत्ती जैसी संरचना की ग्रंथि है जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, और अग्नाशय जैसी ग्रंथियां एक तरीके की मिश्रित ग्रंथि हैं, क्योंकि इनमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी ग्रंथियों की। तो याद रखेंगे कि मधुमेह जैसी बीमारियां दो कारण से होंगी, एक तो जब मनुष्य के शरीर में रक्त है और उस रक्त में शुगर या शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, दूसरा जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी, यानी ये वाटर से कहीं से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन हैजा, हैजा जैसी बीमारियां भी इसके कारण नहीं होती हैं। तीसरा चेचक, चेचक जैसी बीमारियां या स्मॉल पॉक्स जिसे कहेंगे, चेचक जैसी बीमारियां भी वायरल इन्फेक्शन के कारण होती हैं या विषाणु जनित हैं। चौथा है मलेरिया, मलेरिया एक मक्खी के द्वारा फैलता है, ये भी मक्खी के द्वारा फैलता है, मलेरिया जैसी बीमारियां, इसका वाहक मक्खियां होती हैं। सो यहां पे राइट आंसर है आपका हैजा, जिसे आप कॉलेरा कहते हैं, कॉलेरा या हैजा जैसी बीमारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर जैसी प्रॉब्लम का कारण इन चारों में से कौन है? पहला है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के कारण, दूसरा विश्वव्यापी तापन के कारण जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और तीसरा रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी, और चौथा है जीवाणविक क्रिया यानी बैक्टीरियो के द्वारा फंक्शन करने से या बैक्टीरियल एक्टिविटीज से। रेडियोधर्मिता जिसे आप इंग्लिश में रेडिएशन कहते हैं, ढेर सारे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, और जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इन सभी रेडियो एक्टिव तत्वों से कुछ किरणें उत्सर्जित होती हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सारी किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होती रहती हैं। ऐसे ही तत्वों से रेडिएशन होता है, और पर्टिकुलर रेडिएशन के कारण ही यानी रेडियोधर्मिता के कारण ही स्टोन कैंसर जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो राइट आंसर है आपका तीसरा, रेडियोधर्मिता। क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष के मरकरी के विषाक्तन में कौन सा रोग होता है? यानी मरकरी के कारण जिसे आप हिंदी में पारा कहते हैं, और इसका सिंबल है Hg, इसे Hg से डिनोट करते हैं और हिंदी में इसे पारा कहते हैं। मरकरी या पारा के विषाक्तन, दैट मीन्स की जब मरकरी या पारा विषाक्त होता है, पॉइजनस होता है, तो इसके कारण शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? पहला ऑप्शन है ब्लैक लंग, गलत है, ब्लैक लंग नहीं होगा। एक्चुअली में मरकरी या पारा के कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हैं मीनामाता। मीनामाता जैसी बीमारियां मरकरी के विषाक्तन के कारण होती हैं, जबकि एटाई एटाई जैसी बीमारियां कैडमियम के कारण होती हैं, ये कैडमियम की विषाक्तता के कारण होती हैं, और आर्सेनोकोसिस आर्सेनिक के विषाक्तन के कारण होती है। सो राइट आंसर है आपका मीनामाता। क्वेश्चन नंबर 10, इटाई इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है, यानी इन चारों में से किसकी विषाक्तता के कारण इटाई इटाई नामक रोग होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि कैडमियम के कारण ही इटाई इटाई जैसी बीमारियां होती हैं, जबकि पारा या मरकरी के कारण मीनामाता जैसी बीमारियां होती हैं, और आर्सेनिक के कारण आर्सेनिकोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। तो राइट है आपका कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 11, सरर गलगंड जिसे घोंघा कहते हैं, घेंघा बीमारी, और इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर, घेंघा या ग्वाइटर जिसे हिंदी में गलगंड या घेंघा भी कहेंगे,
तो ऐसी बीमारियां मनुष्य के शरीर में, सबसे पहले जानेंगे कि ये बीमारी शरीर में गले में होती है, गले के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं थायराइड, थायराइड ग्लैंड में या थायराइड ग्रंथि में ये बीमारियां होती हैं। और इस बीमारी का कारण है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर एक हार्मोन का स्राव होता है जिसे कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। जब ये थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन यानी स्राव कम हो जाता है, बनना कम हो जाता है, तो इसी थायरोक्सिन हार्मोन के कारण मनुष्य के शरीर में घेंघा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन एक अकेला ऐसा हार्मोन है जो थायराइड में बनता है और उसमें सबसे अधिक मात्रा आयोडीन की पाई जाती है। जैसे ही थायरोक्सिन का बनना कम होगा, शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी और जिस कारण से ये थायराइड ग्रंथि का आकार सूजकर या स्वेलोड होकर के बड़ा हो जाता है और गले या थायराइड ग्रंथि के बढ़े हुए आकार को, सूजे हुए आकार को ही कहते हैं घेंघा या गलगंड। तो आप देखिए, अश्वग्रंथि, यकृत यानी लीवर, थायराइड ग्रंथि, मसूड़े, और आपने देखा कि यह थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है, क्योंकि थायराइड का बढ़ा हुआ आकार ही घेंघा कहलाता है। सो राइट है आपका थायराइड। जबकि मसूड़े माउथ से रिलेटेड है, यकृत या लीवर अलग है ऑर्गेन, और अश्रु ग्रंथियां आंख में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आंत ज्वर या टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड या आंत ज्वर जैसी बीमारियां पर्टिकुलर जीवाणु के द्वारा होती हैं या बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं ये बीमारियां, टाइफाइड या आंत ज्वर? प्रोटोजोवा एक दूसरा तरीके का रोग कारक है। कवक, कवक प्लांट के सदृश दिखने वाले ही ऑर्गेनिज्म है जो अलग तरीके की बीमारियां, ढेर सारी बीमारियां पैदा करते हैं, तथा विषाणु भी इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, सफेद बाल किसके कारण होते हैं? यानी इन चारों में से कौन सा कारण जिम्मेदार है बालों के सफेद होने के लिए? पहला है बाह्य त्वचा कोशिकाओं का काल प्रभावन, गलत है, काल प्रभावन दैट मीन्स टाइम के कारण। बाह्य त्वचा, आपकी स्किन या त्वचा, आपकी त्वचा की जो सबसे बाहरी कोशिकाएं हैं इनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ने के कारण या टाइम इफेक्ट के कारण, काल प्रभाव के कारण ऐसा होता है? तो बिल्कुल नहीं होता, ये गलत है। दूसरा देखेंगे, त्वचीय कोशिकाओं की मृत्यु, जब आपकी स्किन या त्वचा की सेल्स डेड हो जाती हैं तो ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब त्वचा में उपस्थित कोशिकाएं डेड हो जाती हैं तो आपकी त्वचा या स्किन रूखी होकर के पर्त की तरह निकलने लगती है, बल्कि बाल सफेद नहीं होते। तीसरा है बाह्य त्वचा कोशिकाओं में सीबम का क्षय, सीबम का क्षय होना भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। चौथा है बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय, बिल्कुल सही आंसर है कि आपकी स्किन या त्वचा के ऊपर जो कोशिकाएं हैं यानी स्किन की कोशिकाएं, इनमें जब मेलानिन का क्षय होने लगता है यानी मेलानिन कम होने लगता है, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है या डिकम्पोज होने लगता है, क्षयित होने लगता है, तो बाल सफेद होने लगते हैं। सो राइट आंसर है आपका बाह्य त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का क्षय। क्वेश्चन नंबर 14, माइकोबैक्टीरियम लैप्री है, यानी माइकोबैक्टीरियम लैप्री, नाम से ही लग रहा है कि माइकोबैक्टीरियम लैप्री एक प्रकार का बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया कई आकार में पाए जाते हैं, बेसिकली चार प्रकार का शेप इनका या आकार होता है, एक गोलाकार, दूसरा दंडाकार, तीसरा सर्पिलाकार और चौथा बीजाणु या बेलनाकार, कई सारे होते हैं। तो इस तरीके से इसमें पूछा हुआ है कि माइकोबैक्टीरियम लैप्री का आकार कैसा है या कौन सा है। तो पहला है दंडाणु, दूसरा है गोलाणु, गोलाणु दैट मीन्स गोलाकार, तीसरा सर्पिल यानी स्पाइरल, चौथा बीजाणु। तो राइट आंसर है आपका दंडाणु, क्योंकि ये बैसिलस टाइप के होते हैं यानी ये बेलनाकार होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं दंडाणु, इनका आकार इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न है, अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृतिजन्य स्थिति है? सबसे पहली बात, अभिबंधक जबड़ा क्या है? जब मनुष्य के
शरीर का ये पार्ट जबड़े वाला भाग पूरी तरीके से क्लोज्ड हो जाता है, यानी पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और काफी प्रयास करने पर यानी ताकत लगाने पर भी वो आसानी से नहीं खुलता है। तो जबड़ों के इस प्रकार से बंद हो जाने को ही कहते हैं अभिबंधक जबड़ा, और ज्यादातर ये होता है टिटनेस की कंडीशन में। जब व्यक्ति में टिटनेस का प्रभाव या लक्षण दिखाई देता है, तो टिटनेस का जो सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक लक्षण है वो यही है कि व्यक्ति के जबड़े पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं और उसका मुंह नहीं खुलता है तथा शरीर उसका कांपने लगता है, थरथराहट होने लगती है। तो राइट आंसर है आपका टिटनेस। टिटनेस एक तरीके का संक्रमण है, याद रखिएगा, ये एक तरीके से विषाणु जनित रोग है, वायरल इन्फेक्शन है। जैसे शरीर में कभी कभी जंग लगे लोहे के कारण भी टिटनेस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। यही कारण है कि लोहे या ऐसी धातुओं से जब आपके शरीर में खरोच आ जाए तो व्यक्ति टिटनेस का टीका लगवाता है। बाकी लकवा, पोलियो तथा डिप्थीरिया, ये सभी बीमारियां अलग अलग लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं। पोलियो में शरीर का अंग, कोई भी पार्ट, ज्यादातर ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए शरीर का कोई भी पार्ट एक टेढ़ा मेढ़ा या विकृति जन्य हो जाता है। लकवा में, जिसे आप पैरालिसिस कहते हैं, शरीर के एक भाग या पार्ट पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देते हैं। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी इसी तरीके से अलग बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 16, मीनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? अभी आपने पढ़ा था कि मीनामाटा जैसी बीमारियां पारे के द्वारा होती हैं या मरकरी के विषाक्तता के कारण होती हैं, और यह जापान में हुआ था, सबसे पहले जापान में पैदा हुआ था। सर्वप्रथम जापान में इसको देखा गया, मीनामाटा जैसी बीमारियां जो मरकरी या पारे के विषाक्तता के कारण होती हैं। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, यानी ग्रेव जैसी बीमारियां किस कारण से होंगी? पहला है थायराइड की अति सक्रियता, दूसरा थाइमस की अल्प सक्रियता, तीसरा थायराइड की अल्प सक्रियता तथा चौथा थाइमस की अति सक्रियता। सबसे पहली बात, ग्रेव की बीमारी है क्या? तो ग्रेव जैसी बीमारियां या ग्रेव के रोग गले से संबंधित बीमारियां हैं, और गले में दो ही ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपके थ्रोट में या गले के अंदर दो ग्रंथियां हैं, एक है थायराइड और दूसरी है पैराथायराइड। यानी पहली बात कि ये थायराइड से संबंधित है, जबकि थाइमस ग्लैंड गले से थोड़ा अलग है, थाइमस ग्लैंड। सो राइट है आपका थायराइड। लेकिन अब थायराइड में दो चीजें हो सकती हैं, या तो थायराइड ज्यादा वर्क करे, जिस ज्यादा एक्टिव हो जाए, ज्यादा सक्रिय हो जाए, जिसे अति सक्रियता कहेंगे। दूसरा, थायराइड जब धीमी गति से कार्य करे, जिसे अल्प सक्रिय कहेंगे। तो इसका कारण है, ग्रेव जैसी बीमारियों का कारण है जब थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि काफी तीव्रता से कार्य करे, यानी ज्यादा सक्रिय हो जाए, यानी अति सक्रिय हो जाए। तो थायराइड की अति सक्रियता के कारण ही ग्रेव जैसी बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संकरित आपंक उपचार को क्या कहते हैं? संकरित आपंक उपचार ये एक तरीके का जैविक उपचार है, जबकि प्रारंभिक उपचार जैसे फर्स्ट एड कहते हैं वो अलग है। पूर्व उपचार सबसे पहले जो किया जाता है, और रासायनिक उपचार ढेर सारे केमिकल के यूज के द्वारा किया जाता है। संकरित आपंक उपचार एक तरीके का जैविक उपचार है, जिसमें ढेर सारे जैविक पदार्थों का प्रयोग करके उपचार किया जाता है। ये एक तरीके का बायोटिक प्रोसेस है या जैविक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? यानी एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा सीक्वेंस, क्रमादेश, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में संक्रमण नहीं होता या संक्रमण से उसे बचाता है। तो लगभग हर एक इंसान में जब बच्चा होता है तो उसे टाइम टू टाइम ढेर सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, और या वैक्सीन देने का कारण यही है कि उसे अनेक सारी बीमारियों से बचाया जा सके। क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है या वैक्सीन देना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को कई सारे संक्रमण से बचाया जा सकता है। सो राइट आंसर है वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआई रोग नहीं है? इन चारों में से कौन सा रोग ऐसा है जो प्रोटोजोआ के कारण नहीं फैलता? पीलपांव,
प्राच्य व्रण निद्रालु व्याधि काला जार। प्राच्य व्रण निद्रालु व्याधि और काला जार ये तीनों बीमारियां प्रोटोजोवा के कारण होती है, जबकि फील पाव जैसी बीमारी प्रोटोजोवा के कारण नहीं फैलती। और फील पाव एक क्यूलेक्स मच्छी मक्खी जिसे आप कहते हैं फ्लाई, उसके द्वारा फैलती है। तो फील पाव इसका राइट आंसर है। फील पाव के लक्षण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो फील पाव एक ऐसी बीमारी है जो मादा क्यूलेक्स मक्खी के कारण फैलता है। और फील पाव की बीमारी में व्यक्ति का कोई एक पैर या मे भी दोनों पैर हो सकते हैं, पैर का आकार बड़ा हो जाता है, वो सूज कर काफी मोटा हो जाता है। फील पाव को कहीं कहीं पे हाथी पाव के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे इसे हाथी पाँव भी कहते हैं। और ये मादा क्यूलेक्स मक्खी के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 21, कालाजार किससे संचारित तो होता है, यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी ऐसी मच्छी है जिसके द्वारा या मक्खी है जिसके द्वारा कालाजार जैसी बीमारियां संचरित होती हैं। तो सिकता मच्छी इसका राइट आंसर है। कालाजार जैसी बीमारियां सिकता मच्छी के द्वारा फैलती हैं या संचरित होती हैं। सिकता मच्छी ज्यादातर इसका वाहक होती है और एक जगह से दूसरी जगह तक इसको फैलाती है या वाहन का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष में हुई थी। सबसे पहली बात, एड्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एड्स एक तरीके का वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, यानी ये विषाणु जनित बीमारी है जो एक वायरस के द्वारा फैलती है और इसके वायरस का नाम है HIV। HIV एक इसका वायरस है जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV। एड्स जैसी बीमारियां किसी को छूने से या उसका खान पान करने से नहीं होती हैं। एड्स जैसी बीमारियां या तो रक्त आधान से फैल सकती हैं, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे एड्स की बीमारी है यानी जो HIV के वायरस से या विषाणु से संक्रमित है, ग्रसित है, उसका ब्लड अगर किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो भी संक्रमित हो सकता है। दूसरा, इंजेक्शन के द्वारा फैल सकता है, यानी संक्रमित या रोगी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने के बाद उसी निडल से अगर बिना शोधित किए हुए किसी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्ट कर दिया जाए तो भी ये रोग फैल सकता है या ये वायरस फैल सकता है। तीसरा है कि अगर किसी एड्स के रोगी के साथ यौन संबंध बनाए जाए तो यौन संबंध के कारण भी ये फैलता है। ज्यादातर एक से अधिक या दो से अधिक लोगों के साथ लगातार यौन संपर्क होने के कारण भी एड्स जैसी बीमारियां फैलती हैं। क्वेश्चन है कि एड्स देने वाले वायरस यानी जो HIV है, उस वायरस है, इसकी पहचान किस वर्ष में की गई थी। 1983 में HIV की पहचान की गई थी। BCG टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। छोटे बच्चों में ढेर सारे टीका लगते हैं। टीकाकरण एक प्रक्रिया है जिसे वैक्सीनेशन कहते हैं इंग्लिश में। इस प्रक्रिया में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए अलग अलग टाइम में एक निश्चित समय काल में ढेर सारे वैक्सीन या टीके उसे दिए जाते हैं या इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसी वैक्सीनेशन या टीकाकरण की प्रक्रिया में एक टीका लगाया जाता है जिसे कहते हैं BCG। BCG का टीका बच्चों को 15 दिन यानी उनके जन्म के 15 दिन के अंदर ही लगा देना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होगा तो उस जन्म से लेकर के मैक्सिमम या अधिकतम 15 दिन के अंदर ही उसे BCG का टीका लगाया जाता है। थोड़ा सा जानेंगे BCG है क्या। वैसे BCG के टीके का फुल फॉर्म है, इसका पूरा फुल फॉर्म है बैसिलस कार्मेट यूरिन।
बैसिलस कार्मेट ग्यूरिन, BCG, ये इसका फुल फॉर्म है BCG का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जैसी बीमारियां, प्लेग प्लेग एक ऐसी बीमारी है जिसका वाहक या कैरियर जो है रैट होता है, यानी ये चूहों के द्वारा फैलता है। चूहों इसका माध्यम बनते हैं, लेकिन इस बीमारी का जो कारक है वो बैक्टीरिया है या एक जीवाणु होता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, इनमें दो सूची दी गई हैं और एक साइड पे माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा रोग हो रहा है, और दूसरे साइड पे रोग है, और दोनों को मिलाने हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक के कीट रोग वाहकों का सूची दो में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए, यानी सूची एक में जितने भी रोग कारक हैं जिनके द्वारा रोग फैल रहा है, और दूसरी तरफ कौन सा रोग किसके द्वारा हो रहा है, इसको मैच करना है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली बात, हम डिजीज को देखेंगे, तो बीमारियों को देखेंगे। तो कालाजार, कालाजार जैसी बीमारियां, अभी आपने देखा था कि कालाजार जैसी बीमारियां मक्खी के द्वारा फैलती थी, और सीसी मक्खी, आप देखिए यहाँ पे सीसी मक्खी, रेत मक्खी, क्यूलेक्स, ये सभी मक्खियों के उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर है, कालाजार जैसी बीमारियां रेत मक्खी के द्वारा फैलती हैं। दूसरा देखेंगे, नींद की बीमारी, नींद की बीमारी भी एक मक्खी के द्वारा फैलती है जो सीसी मक्खी है। तीसरा है फाइलेरियोसिस, फाइलेरियोसिस जैसी बीमारियां जिसे फाइलेरिया कहते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया था, मादा क्यूलेक्स के द्वारा फैलती हैं, जबकि मलेरिया जैसी बीमारियां एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलती हैं। तो अब आप इनको मैच कर लिए हैं, अब यहां से आप आंसर देख सकते हैं, ए का चौथा ये है, बी का थर्ड, सी का एक, ठीक है, और डी का दूसरा। तो राइट आंसर है आपका फोर्थ, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जिसमें दिया गया है कि 24 घंटों के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि अगर किसी व्यक्ति को 24 आवर्स के अंदर या 24 घंटों के अंदर, 24 घंटे के अंदर एक ही दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर, यानी जब एक या एक से अधिक खुराक देते हैं तो कम टाइम के अंदर ही अगर कोई उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कोई उसका साइड इफेक्ट होता है, तो उस साइड इफेक्ट को क्या कहते हैं। तो वास्तव में जब किसी दवा का साइड इफेक्ट होता है तुरंत ही, तो उसे कहते हैं घोर विषाक्तता, हाईली पॉइजनस, या घोर विषाक्तता कहेंगे उसे, ज्यादा हार्मफुल है। राइट आंसर होगा इसमें सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, 27वां प्रश्न, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त तो हार्मोन है। गर्भ निरोधक दैट मीन्स ऐसी दवाओं को गर्भ निरोधक कहते हैं जो गर्भ का निरोध करते हैं, यानी किसी महिला में गर्भ को बनने से रोकते हैं, यानी वो महिला गर्भ धारण नहीं करेगी, उसमें गर्भ का निर्माण नहीं होगा। ऐसी दवाओं का यूज ढेर सारी महिलाएं करती हैं जिससे जनसंख्या की वृद्धि रुक सके और मां बनने में रुकावट हो। मार्केट में जिस हार्मोन का प्रयोग एक गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रोजन इसमें दिया है। हालांकि महिलाओं में दो हार्मोन का निर्माण होता है, प्रोजेस्ट्रॉन तथा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन इन दोनों को मिला करके प्रोजेस्ट्रोजन कहते हैं। दोनों हार्मोन यहां पे होंगे, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन, और इन दोनों को मिलाकर बनता है प्रोजेस्ट्रोजन, और इसी प्रोजेस्ट्रोजन का यूज करते हैं गर्भ निरोधक हार्मोन के रूप में। तो
क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में भी दिया गया है, दो सूची दी गई हैं और दोनों में अलग अलग चीजें हैं। एक साइड कुछ न्यूट्रिशन दिए गए हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं या एलिमेंट्स तत्व दिए गए हैं, दूसरे साइड दिए गए हैं उनकी कमी या अधिकता के कारण कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी एक साइड तत्व और दूसरे साइड उन तत्वों के इफेक्ट दिए गए हैं, प्रभाव दिए गए हैं और या उनके द्वारा होने वाले रोग दिए गए हैं, इन्हें मिलाना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। सूची एक में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची दो में दिए गए उस अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इधर देखेंगे आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घोंघा, जिसे मैंने अभी आपको बताया था, ग्वाइटर भी कहते हैं, गलगंड भी कहते हैं और हिंदी में घेंगा भी कहते हैं, यानी घेंगा या गलगंड जैसी बीमारियां आयोडीन की कमी के कारण होती हैं। तो मैच कराएंगे यहां पे आयोडीन घेंगा। तीसरा है आपका नियासिन और दूसरा है आयरन, चौथा है विटामिन B12। तो दूसरा देखेंगे आयरन। आयरन की कमी के कारण रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं या रक्ताल्पता कहते हैं, यानी खून की कमी कहते हैं। और आयरन की कमी के कारण जो एनीमिया होता है यानी रक्ताल्पता होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। विटामिन B12 भी एक तरीके का ब्लड बनाने में सहायक है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी ब्लड बनाने में सहायक है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबलामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबलामिन, दैट मींस साइनोकोबलामिन, कोबलामिन दैट मींस कोबाल्ट। ये एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है और मनुष्य के शरीर में ब्लड बनाने में सहायक है। इसकी कमी के कारण भी खून की कमी हो जाती है या रक्ताल्पता हो जाएगी, और इसके द्वारा जो रक्ताल्पता होती है उसे कहते हैं प्रणासी रक्ताल्पता। चौथा है नियासिन। नियासिन की कमी के कारण पैलेजिया नामक बीमारी हो जाती है। तो अब देखिए ए का तीसरा ये है, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। सो राइट आंसर है आपका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 29, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज किया जा सकता है, यानी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता हो जाए तो उसका इलाज या उपचार कैसे करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो एक तरीके की बहुत ही पॉल्यूटेड या प्रदूषक गैस है, जिसका फॉर्मूला है CO, इस गैस की विषाक्तता का इलाज करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है इसको चूज करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता का इलाज स्वच्छ ऑक्सीजन से करते हैं। तो पहला देखेंगे प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके, एब्सोल्युटली ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि किसी व्यक्ति में जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता हो जाए तो ऐसी व्यक्ति को या इससे प्रभावित व्यक्ति को स्वच्छ ऑक्सीजन से उद्भासित करके उसे दूर किया जा सकता है। तो ये राइट है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत। क्वेश्चन नंबर 30, मसूड़ों से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है, यानी गम्स ब्लीडिंग, जिसे कहते हैं मसूड़ों से ब्लड का आना, गम्स ब्लीडिंग या मसूड़ों से रक्त का आना, ये किसके द्वारा रुकेगा। मसूड़े या गम से ब्लड स्राव या ब्लड सिक्रीट होना, रक्त का स्राव होना एक तरीके की बीमारी है जो विटामिन सी के कारण होती है, और उस विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ज्यादातर खट्टे फलों में या रसीले फलों में पाया जाता है। सो मसूड़ों से ब्लीडिंग आना या रक्त स्राव होना एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है, और अगर एस्कॉर्बिक एसिड यानी कहने का मतलब विटामिन सी लिया जाए तो इससे ये रोका जा सकता है। बाकी विटामिन बी, निकोटिनामाइड एंड थायमीन, ये सभी अलग अलग टाइप के विटामिन है। जैसे थायमीन एक तरीके का विटामिन है जो विटामिन B1 है, और विटामिन बी एक तरीके का संपूर्ण विटामिन है जिसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थायी भवन परीक्षण किया जाता है, यानी ह्यूमन में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। अस्थि भवन परीक्षण बोन्स रिलेटेड है, बॉडी में बोन्स रिलेटेड है, और ये अंतरिम आयु को ज्ञात करने में किया जाता है या अंतरिम आयु का पता लगाने में किया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। बेसिकली
कैंसर दो टाइप के बेसिक कैंसर हैं, जैसे एक है आपका बोन के अंदर होने वाला कैंसर जो अस्थि मज्जा का कैंसर है, और दूसरा है ब्लड कैंसर, यानी अस्थि मज्जा या बोन मैरो का कैंसर, अस्थि मज्जा कैंसर एवं ब्लड कैंसर। इन दोनों कैंसर के लिए एक ही चीज या पर्टिकुलर एक ही नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के नाम से इन दोनों को जाना जाता है, अस्थि मज्जा कैंसर एवं ब्लड कैंसर को। 2,4-D किस रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सबसे पहली बात जानेंगे 2,4-D क्या है। तो एग्जैक्टली 2,4-D इसका फुल फॉर्म होता है 2,4, और डी का फुल फॉर्म है डाई क्लोरो, डाई क्लोरो फेनॉक्सी, डाई क्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, या इसका पूरा नाम है 2,4-D का, 2,4 डाई क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और ये एक तरीके का पूरे विश्व में यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पदार्थ है, जिसका प्रयोग करते हैं खरपतवार को नष्ट करने में। खेतों में या फसलों के मध्य में ढेर सारे वेजिटेशन हो जाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं, और इस खरपतवार को ही नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर बड़ी पत्ती वाली फसलों में करते हैं, जैसे चाय, धान या बागानी फसलों में, या फलों के बगीचों में इसका प्रयोग करते हैं। धान, चाय पत्ती, बगीचों में। तो राइट है आपका खरपतवार नाशी। क्वेश्चन नंबर 34, विडाल टेस्ट किसके निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट एक तरीके का परीक्षण है या टेस्ट है, जिसका प्रयोग व्यक्ति में टाइफाइड, जिसे आप हिंदी में आंतजर भी कहते हैं, इसके जानकारी के लिए करते हैं विडाल टेस्ट का प्रयोग, और टाइफाइड के लक्षणों को ज्ञात करने के लिए विडाल टेस्ट के अलावा एक और टेस्ट करते हैं, जिसे कहते हैं टाइफी डॉट। टाइफी डॉट टेस्ट, टाइफी डॉट टेस्ट आतजर लक्षणों को याद करने में। तो दो टेस्ट हैं यहाँ पे, एक विडाल टेस्ट है, दूसरा टाइफी डॉट टेस्ट है। इन दोनों का प्रयोग टाइफाइड से रिलेटेड है। टाइफी डॉट टेस्ट का प्रयोग आतज्वर लक्षणों को ज्ञात करने में किया जाता है, जबकि विडाल टेस्ट का प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है। 35 क्वेश्चन नंबर, लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवायवीय श्वसन, पहली बात अस्थायी अवायवीय श्वसन क्या है? जब वायु की अनुपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मनुष्य के शरीर में श्वसन होता है। श्वसन दो तरीके का होता है, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सी और अनऑक्सी दो प्रकार का श्वसन होता है। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो अगर वहां पे कोई उत्प्रेरक बैक्टीरिया है, जीवाणु है या कोई कवक है, तो वो एथिल एल्कोहल में चेंज हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं है और ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति में फिर वो अनॉक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला दूसरा श्वसन जो है उसके उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में एक एसिड का निर्माण हो जाता है, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, और मनुष्य के शरीर में उसकी मांसपेशियों में, मसल्स में, ज्वाइंट्स पर यानी जोड़ों पर यही एसिड या लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, और इसी लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने पर शरीर में स्ट्रेच या तनाव या शरीर के अंदर
ज्वाइंट्स में जोड़ में दर्द का आभास होता है या पेन फील होता है? क्वेश्चन एक बार फिर देखेंगे। लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवयवीय श्वसन के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है जिसके कारण पेशीय थकान हो जाती है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिस कारण से दर्द का भी आभास होता है और थकान भी फील होती है। सो राइट आंसर है आपका लैक्टिक एसिड, क्योंकि यही लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है यहां पर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन होगा तभी यह बनेगा, कोशिकीय श्वसन होगा यहां पे, शरीर के अंदर कोशिकाओं में होने वाला श्वसन जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। उत्पाद के रूप में यानी प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बनेगा और फिर यही थकान का कारण बनेगा या दर्द का कारण बनेगा, दर्द या क्वेश्चन नंबर 36। थैलेसीमिया किसका एक उदाहरण है, यानी थैलेसीमिया किसका उदाहरण है? एग्जैक्टली थैलेसीमिया फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन का उदाहरण है। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन में एग्जैक्टली थैलेसीमिया जैसी प्रॉब्लम होंगी। क्वेश्चन नंबर 37। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड फीवर एक तरीके का फीवर है या बुखार है जिसमें शरीर का तापमान अधिक बढ़ने पर यह बीमारी हो जाती है, और टाइफाइड इसको हिंदी में आतज्वर भी कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण फैलती है। इसके लिए राइट आंसर है आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। वैक्सीनेशन जैसी तकनीक या टीकाकरण जैसी तकनीक जिसमें बच्चों को टीका लगाया जाता है, वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है जिससे कई सारे संक्रमण से उन्हें बचाया जा सके, ये तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बाद ही जनरेट हुई थी। सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और उसके बाद ही टीकाकरण का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 39। इबोला क्या है? इबोला एक तरीके का वायरस है यानी विषाणु है एक तरीके का। शुष्काचिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? सबसे पहली बात, शुष्काचिकोप क्या है? शुष्काचिकोप को जीरोप्थाल्मिया भी कहते हैं। जीरोप्थाल्मिया, और जीरोप्थाल्मिया जैसी बीमारी आंख से रिलेटेड है, आंख से संबंधित है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों में आंसू नहीं आते, आंसू आना बंद हो जाता है, पानी नहीं आता, आई ड्राइनेस है एक तरीके का, यानी आंखों का सूख जाना है। आई ड्राइनेस या आंखों का सूख जाना जैसी कंडीशन है जो विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने के कारण हो जाता है। विटामिन ए की कमी जब हद से ज्यादा हो जाती है व्यक्ति में तो जीरोप्थाल्मिया या शुष्काचिकोप जैसी बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? एक्चुअली घेंघा जैसी बीमारियां ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में व्याप्त होती हैं, ज्यादातर माउंटेन रीजन्स में जहां पे पथरीले पहाड़ एरिया ज्यादा हैं, लोग हाइट पर ज्यादा रहते हैं, ऊंचाई पर ज्यादा रहती हैं, ऐसी जगह पर घेंघा जैसी बीमारियों के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मादा क्यूलेक्स मच्छर, अभी आपने देखा था कि फाइलेरिया जैसी बीमारियां जिसमें पैर का आकार मोटा हो जाता है, बढ़ जाता है, और इस बीमारी में मादा क्यूलेक्स मच्छर ही जिम्मेदार होती है। तो राइट आंसर आपका फाइलेरिया, जबकि मलेरिया जैसी बीमारियां मादा एनाफिलीज के द्वारा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट नाम से लग रहा है कि ये
आयोडीन से रिलेटेड है, बिल्कुल, क्योंकि इस टेस्ट में आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, और यह टेस्ट कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा है या नहीं है, प्रेजेंट है या नहीं, इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो आयोडीन टेस्ट कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि या एक बैक्टीरिया। फंजाई, कवक को इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, और वायरस दैट मीन्स विषाणु, कृमि और चौथा एक बैक्टीरिया जिसे आप कहेंगे जीवाणु। तो एग्जैक्टली पोलियो जैसी बीमारियां पर्टिकुलर एक वायरस के कारण होती हैं, इसका कारक जो है या कॉज करने वाला वायरस है, विषाणु है। क्वेश्चन नंबर 45। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच जो पर्टिकुलर एड्स की पहचान करती है, और इन चारों में से एड्स जैसी चीजें नहीं दी हैं, कैंसर नहीं, टीबी भी नहीं, पोलियो वायरस भी नहीं, बैक्टीरिया भी नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि एक एड्स जैसी बीमारियों की जांच के लिए है। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण एचआईवी अपना आकार अक्सर बदल देता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एक ऐसा एंजाइम है जिसकी उपस्थिति के कारण एचआईवी जैसा वायरस अपना आकार अक्सर बदल लिया करता है या चेंज कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? जितने भी रोगाणु हैं वो सभी टॉक्सिक मटेरियल यानी सभी आवेश पदार्थों को निर्मित करते हैं जो काफी ज्यादा हानिकारक है या बीमारियों को पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रणासी मलेरिया है? वाइवैक्स, वाइवैक्स एक तरीके का प्रोणासी मलेरिया है। क्वेश्चन नंबर 49। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी फिजिकल थेरेपी है, दूसरा है कीमोथेरेपी, तीसरा है इलेक्ट्रोथेरेपी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोग करेंगे, साइकोथेरेपी माइंड से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का ही यूज करते हैं कैंसर के उपचार करने के लिए, जबकि बाकी तीनों का अलग-अलग संबंध है। साइकोथेरेपी का संबंध माइंड से है, दिमाग से है, फिजियोथेरेपी का फिजिकल बॉडी से है। क्वेश्चन नंबर 50। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, यानी साइनाइड आपने कई जगह देखा होगा कि साइनाइड को जैसे ही जीव पे टच कराते हैं व्यक्ति की 1 सेकंड से भी पहले मृत्यु हो जाती है, लगभग कुछ ही 2 या 3 सेकंड में, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सेकंड के अंदर डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है, हृदय की पेशियों के एंजाइमों को अप्रकृतिम कर देता है, दूसरा है इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को यह तोड़ता है, और तीसरा है लाल रक्त तो कोशिकाओं में लयन उत्पन्न करता है, चौथा है कार्डियक अरेस्ट करता है। इन चारों में से सबसे तेजी से मृत्यु होने का कारक आपका चौथा है जो कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक हार्ट से रिलेट करता है, कार्डियक वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि यह हार्ट से या हृदय से संबंधित है। हृदय में जो शिथिलन होता है, संकुचन होता है या फैलाव होता है, दैट मीन्स जो धड़कन का कारण बनता है उसको ये
अरेस्ट कर देता है, यानी पूरी तरीके से रोक देता है। और जैसे ही रोकता है वैसे ही हार्ट में धड़कन भी रुक जाती है, और जैसे ही हार्ट की धड़कन रुकती है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये इतने कम टाइम में होता है, लगभग 1 या 2 सेकेंड के अंदर हो जाता है। तो साइनाइड विषाक्तता कार्डियक अरेस्ट करता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु कुछ सेकेंड में ही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। एचआईवी एक तरीके का वायरस है जो एड्स जैसी बीमारियों को कॉज करता है। एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है, यानी एचआईवी कौन सा एंजाइम उत्पन्न करता है? एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोसी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। पहला है लिगेज, दूसरा है इंटीग्रेज, और तीसरा है हेलिकेज, चौथा है डीएनए गायरेज। इंटीग्रेज इज द राइट आंसर, क्योंकि इंटीग्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो एचआईवी के वायरस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इंटीग्रेज जैसे एंजाइम को एचआईवी वायरस उत्पन्न करता है, और यही एचआईवी वायरस के द्वारा उत्पन्न किया गया एंजाइम यानी इंटीग्रेज पोसी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। तो ये सभी 51 51 क्वेश्चन थे, अलग अलग तरीके के। इन सभी क्वेश्चन में आपने अलग अलग विषयों को समझा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय में क्वेश्चन का ट्रेंड है, पैटर्न है, वो लगभग चेंज हो चुका है। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है कि हम लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन करें और उनको प्रैक्टिस करें। जैसे ही हम कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक ही प्रश्न में ढेर सारे डायमेंशन या ढेर सारे क्षेत्र उस क्वेश्चन से रिलेटेड समझ में आ जाते हैं। इसके बाद हम आगे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, फिर किरण लर्नर्स एकेडमी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।